क्या बात है अक्षय, आजकल तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? बहुत दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। हाँ मैम, कुछ दिनों से मैं परेशान तो चल ही रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ किसी भी चीज का। अरे तो इतना परेशान होने की क्या बात है, मानस जी से क्यों नहीं पूछ लेते हो? रामचरित मानस है तुम्हारे घर पे? हाँ मैम, मैं तो रोज पढ़ता हूँ। कभी तुमने वहाँ पर देखा है ऐसा एक पेज नंबर 2 पे एक प्रश्नावली बनी हुई, एक ऐसा चार्ट बना हुआ रामचरित मानस में? हाँ मैम, देखा तो है मैंने, बट मुझे पता नहीं है कि ये है क्या। ये रामचरितमानस की प्रश्नावली है जिसके थ्रू हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का जो हमें आंसर नहीं मिलता तो हम उनका आंसर हम मानस जी से पूछ सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इस टेबल को पढ़ते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न हो उस प्रश्न को अपने मन में रखिए, आंख बंद करके आप इस प्रश्नावली के ऊपर आप अपनी फिंगर रख सकते हैं या फिर जो भी पेन है आप उसको चार्ट पे कहीं पर भी रखिए। मन में प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और अपना वो क्वेश्चन अपने मन में दोहराइए और फिर उस पर आप कहीं पर भी आप रुक जाइए, अपनी पेंसिल को रोक दीजिए। जो भी लेटर आपके पास आया, जैसे हमने यहाँ पर ई पे आया है तो हम पहले उसको ई को लिख लेंगे। उसके बाद ई के बाद हमको अगले 9 बॉक्सेस को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आया नी, अब हमको नी लिखना है। इसके बाद हम फर्दर आगे जाएंगे, नी के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमने लिखा ब। ऐसे करते करते हमें अगले 9 लेटर्स 9 बॉक्सेस में जो भी लेटर आ रहा है उसको लिखना है। आप देखेंगे इसको मिलाते मिलाते एक शब्दावली बन गई है जो कि एक ना एक चौपाई से मैच होती है। इस टेबल के नीचे ही कुछ चौपाइयाँ दी गई हैं, उन चौपाइयों से जब आप इस जो आपके पास शब्दावली बनी है उसको आप लिंक करेंगे, आप दोनों को मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो आंसर है वो कौन सी चौपाई में है और उसका जो मीनिंग उसमें लिखा होता है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका आपको अगर कोई क्वेश्चन के लिए पूछना है कि मुझे काम करे कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो वो कार्य संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो आपको उस शब्दावली में भगवान श्री राम आपको यह संकेत दे ही देंगे। इस तरह से आप अपने कोई भी प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से मानस जी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।